अब आपको सीधा लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। में वो 65.56% था। हम लोग पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी मतदाता हमारे बूथ में रजिस्टर हुए हैं वो सब लोग वोट डालने आए। किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि सभी लोग वोट डालें। और आपने अभी देखा होगा, शायद बाहर कुछ लोगों ने जाकर देखा होगा, जो स्वीप की एक्टिविटीज जो सीओ ने अरेंज की हैं, प्रत्येक जिले ने अपने अपना जो एक अथक प्रयास किया है और क्या क्या वो करने जा रहे हैं इस संदर्भ में, वो सब दर्शाया गया है। और आई थिंक आप लोगों ने भी इसको देखा होगा और लगा होगा कि एक वातावरण क्रिएट किया गया है जो कि एक सामाजिक डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है जो त्यौहार वाला, उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने वो वाले बूथ भी आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर पोलिंग परसेंटेज 65% से भी कम था, जो कि एवरेज था 65%, उससे पोलिंग बूथ कम हो गए, उससे जो परसेंटेज कम है, उसी सारी पोलिंग बूथ को चिन्हित किया गया है। और ऑफिसरों को ये डायरेक्शन दी गई है कि वहां जाके सभी मतदाताओं को आग्रह करें, सभी मतदाताओं को बताएं कि आपको वोट डालना आवश्यक है और आप वोट डालने आइए। क्योंकि हम किसी भी मतदाता की उदासीनता को नहीं चाहेंगे कि मतदान जैसी चीज में उदासीन हो कोई भी व्यक्ति, तो इसलिए अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो, ये हमारा एक प्रयास रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की भी उसमें भूमिका हो कि आप समाज को शिक्षित करें, आप समाज को बताएं कि भाई आपको वोट डालना आवश्यक है और वोट डालने से ही एक लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती मिलती है। तो ये एक बहुत आवश्यक है और हमारा पूरे प्रयास रहेगा कि कई जो डीएम्स हैं और कई जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब के थ्रू कॉलेजेस में जा रहा है, कोई ट्राइबल एरिया में उनकी भाषा में उनको समझा रहा है, और इस तरह के जो प्रयास किए गए हैं महिलाओं के लिए, जो महिला ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं वो जाके उनको समझा रही हैं, उन्हीं की भाषा में समझाना, उन्हीं को प्रेरित करना इस वोट डालने के लिए हम लोगों का पूरा अथक प्रयास रहेगा। और हम चाहेंगे कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो काफी बढ़े, कम से कम उत्तराखंड अपने आप पे एक नाच क्रिएट कर सके कि हमारी पोलिंग परसेंटेज और स्टेट के मुकाबले ज्यादा रही है। यहाँ पर 65% क्यों रही है? और मुझे इस स्टेट से विशेष लगाव है क्योंकि मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, ये मेरी कर्म भूमि रही हुई है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर परसेंटेज काफी बढ़कर आए और एक उदाहरणीय और एक एग्जाम्पलरी स्टेट बने। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मतदाता जो मतदान केंद्र हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या किया जा चुका है। देखिए, जब ये कोविड का सिचुएशन है तो हमने जो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर, पहले 1500 मतदाता एक पोलिंग बूथ पर बनाए जाते थे, हमने उसको कम करके 1200 कर दिया है। और उस लिए जब 1200 की संख्या कर दी गई है तो उसके हिसाब से नए जो पोलिंग बूथ बने हैं वो 623 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे पूरे प्रदेश में। और उनको मिला के जो अब टोटल पोलिंग बूथ होंगे वो 11,447 मतदान स्थल में होंगे, जो हमारे 11,647 पोलिंग बूथ वहां पर बनाए गए हैं। जिसका कि मतलब हुआ कि अगर एवरेज लगाएं हम इसके जो वोटर्स हैं 81.43 लाख और 11,647 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, ऑन एन एवरेज 700% के ऊपर एक हमारा पोलिंग बूथ होगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जा सकती है, क्राउड को मैनेज किया जा सकता है और लोगों को अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। सभी पोलिंग बूथ्स पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज दी जाएंगी। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज कौन सी हैं? कि पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, रैंप होगा, जो दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों ने बहुत ही अथक प्रयास करके इवन चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है कि जहां जहां पर भी रैंप की व्यवस्था नहीं है वह परमानेंट रैंप बनाए जाए। बाथरूम की फैसिलिटी होगी और शेड की भी फैसिलिटी होगी कि जिससे कि अगर ज्यादा कभी क्राउड इकट्ठा भी होता है तो एक बैठने की व्यवस्था हो, जिससे कि हमारे पोलिंग बूथ एक अच्छे पोलिंग बूथों में काउंट हों। और एक विशेष तौर से ये भी कहा गया है कि जो हमारे गांव के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के पोलिंग बूथ हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी कराई जाए और उनमें भी एक अच्छा वातावरण क्रिएट किया जाए जिससे पोलिंग बूथ अच्छी तरह से सुदृढ़ रूप से दिखाई दे लोगों को। इसी संदर्भ में जो हम लोग पोलिंग बूथ बना रहे हैं उसमें हम लोग वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और जो कमीशन का आदेश है वो तो है कि 50% पोलिंग बूथ वेबकास्ट किए जाएं, लेकिन यहाँ पर उसको बढ़ा के कम 60% कर दिया गया है और रफली 7,250 मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।
क्योंकि हमारा ये लगातार प्रयास है कि वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा हो और दिव्यांगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, तो हम लोग ऐसे कम से कम पूरे प्रदेश के अंतर्गत 100 पोलिंग बूथ विल बी सेट अप विच विल बी टोटली मैनेज बाय द लेडीज ओनली. सो दिस विल गिव ए कॉन्फिडेंस लेवल टू द लेडीज टू मैनेज द थिंग्स एंड इट विल यू नो गिव इंस्पिरेशन टू ऑल लेडी पर्सन, लेडी मतदाता टू कम टू द पोलिंग बूथ. सो वी आर सेटिंग अप 100 पोलिंग स्टेशन विच आर टोटली मैन्ड बाई लेडीज, पूरी तरह से जो स्त्रियों के द्वारा मैनेज किए जाएंगे. जबकि ये जो हमारा कमीशन का आदेश है वो ये है कि एक असेंबली में कम से कम एक हो, तो उसके हिसाब से तो कुल 70 बनते थे, लेकिन हम इसको बढ़ा के 100 कर रहे हैं. साथ में जो दिव्यांगजन हैं उनके द्वारा भी मैनेज 5 पोलिंग बूथ यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जो कि पूर्णतया दिव्यांग लोगों के को जो मैनेज करेंगे. ये भी एक उनको एक एम्पावरमेंट देने का एक फीलिंग है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग यू नो पर्सन विद डिसेबिलिटी दे विल बी एबल टू हैंडल द पोलिंग बूथ कम्प्लीटली. सो दीज आर द एफर्ट्स एक्चुअली विच वी आर डूइंग सो दैट इट शुड गिव ए कॉन्फिडेंस टू ऑल द पर्सन, वेदर इट इज फीमेल वेदर इट इज दिव्यांगजन, एंड दे विल बी टोटली मैनेज बाई देम. और इसके साथ में जो हम सब करने जा रहे हैं, जो पहली बार यहाँ पर एक व्यवस्था होगी, जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम एक पोस्टल बैलेट फैसिलिटी करना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं आदेश दे दिए गए हैं उनके. अगर वो लोग पोलिंग बूथ पर नहीं आ पाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके घर जाके उनसे वोट लिया जाएगा. इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन एट द डोर स्टेप ऑफ द वोटर. आप नहीं आ सकते, हम आपके घर पहुंचेंगे. ज्यादातर लोगों को उन लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, एक 12D है, वो भी हमारा BLO जाएगा, उनसे भरवा लेगा. और अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उनका वोट वहीं पे घर पे जाके हमारी टीम जाएगी. पॉलिटिकल पार्टी को भी सूचित किया जाएगा और वीडियोग्राफी भी होगी, जिससे कि निष्पक्षता और इसकी सीक्रेसी जो कि तो मेंटेन रहे, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा. सो दैट इज अ वेरी क्लियर थिंग विच वी आर डूइंग. एंड जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था होगी पोलिंग स्टेशन पे, उनको वॉलंटियर्स दिए जाएंगे जो उनको संभाल सके पोलिंग स्टेशन पे. इस तरह की हमने 66,700 वॉलंटियर्स चिन्हित किए हैं जो कि विभिन्न विभिन्न पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और उनको वोट डालने में सहायता करेंगे, जैसे किसी भी व्यक्ति को हमारे पोलिंग बूथ पर परेशानी ना हो. ये हमारा पूर्णतया प्रयास रहेगा और हम इसी चीज से चाहते हैं कि वो लोग आके अपना वोट डालें. राज्य में 150 मॉडल मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे, जो बिल्कुल ही सब तरह से सुसज्जित होंगे, उनमें अच्छा एक प्रदर्शन किया जाएगा, उनमें सभी चीजें होंगी. वो राज्य में ऐसे 150 हम ये लोग भी बनाएंगे. और सभी पोलिंग बूथ पर VVPAT लगाया जाएगा, EVM के साथ VVPAT सारे पोलिंग बूथ पर लगाया जाएगा. और VVPAT का जो समझाने की प्रक्रिया है वो भी चालू हो चुकी है. EVM का भी जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं, उसमें जिसको भी कोई समझना है वो समझे. और VVPAT के बारे में भी एक पार्टी ने कहा है कि इसकी भी और प्रचार किया जाए, तो वो भी हम लोग प्रचार करेंगे. पूरा प्रचार प्रसार, पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाना और आप लोगों को और सबको आपके थ्रू प्रेरित करना कि सभी लोग हमारे मतदाता केंद्र पर आकर इस त्यौहार को त्यौहार के रूप में मनाएं और अच्छी तरह से हमारा पोलिंग स्टेशन को लोकतंत्र को मजबूत करें. जो सर्विस वोटर्स हैं, जो हमारे फौज में हैं, बाहर हैं, यहाँ पे वो भी काफी हैं जो हमारे इसमें क्षेत्र में हैं उत्तराखंड में, उनके लिए जो हमने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड वोटर जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसकी व्यवस्था की गई है, तो उनको बाकायदा नोडल ऑफिसर्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाएगा बैलेट पेपर और वो वापस आएगा स्पीड पोस्ट के द्वारा. और पिछली बार भी उसमें काफी लोगों ने भाग लिया था. सो दैट आवर मोटो इज नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, एवरी वोटर शुड बी ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड दैट वी आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कोविड प्रोटोकॉल की और वैक्सीनेशन स्टेटस की. ये हम लोगों ने सभी अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी से इसके बारे में चर्चा की और हमें बताया गया है कि लगभग 100% लोगों को इस प्रदेश में एक वैक्सीनेशन लग चुका है और करीब 78% डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं.
तो एज फार एज वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक पूरी हो चुकी है और जो लोग रह भी गए हैं तो ये आदेश दिए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन किया जाए। हमें बताया गया कि जो लोग घरों में नहीं हैं उन्हीं को शायद लोग रह गए हैं और उनको पूरी तरह से प्रेरित किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है जिससे पूरी तरह से ये स्टेट डबली वैक्सीनेटेड हो जाए जब तक कि इलेक्शन की प्रक्रिया जैसे जैसे स्टार्ट होगी। इसके साथ ही जो पोलिंग बूथ्स हैं हम चाहते हैं और हम बना रहे हैं टोटली दे शुड बी एब्सोल्युटली कोविड सेफ पोलिंग बूथ एंड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर कोविड नो सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड लाइक मास्क, सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग विल बी डन ऑफ द पर्सन एंड सोशल डिस्टेंसिंग विल बी मेंटेन एंड बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग वी रिड्यूस द नंबर फ्रॉम 1500 टू 1200 on an average per bowling booth is only 700 persons which are coming and I hereby announce that way that time of the polling will also be increased by 1 hour that we are starting from this state only because certain political parties have also mentioned about it and we feel also because of a long distances into different difficult areas persons are finding difficult sometime so we are increasing time by 1 hour of the polling timings. Earlier it was from 8 to 5, now we'll increase it by 1 hour. इसके साथ ही जो रैलीज भी होंगी या जो कोई भी इस तरह का प्रचार प्रसार होगा उसके लिए भी ग्राउंडों को चिन्हित किया गया है और पूरे प्रदेश में करीब 601 grounds have been found out for campaigning and 277 buildings have also been found out for the campaigning so that social distancing can be maintained and this will be the responsibility of the state disaster management authority and the local police administration can be maintained while doing the campaigning.